शब्बर के आई थिंक वी शुड फाइंड अ वे टू प्ले रिजवान ऑन दिस विकेट्स, बिकॉज उसका जो इंटरनेशनल इस पर कॉन्फिडेंट है, उसका अपना एक यू नो एक स्टेचर भी हाई आई है। दूसरा सरफराज, पता नहीं मुझे लगता है कि उनका जरूर कम बैक हुआ, ही परफॉर्म ऑल्सो एक्सेप्शनली वेल, बट वो पाकिस्तान की कंडीशन से बात है ना, प्रेशर है ना ये, हाँ। कि वो सरफराज ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन किया और उसने उन कंडीशन में बहुत जबरदस्त खेला। आप कराची में अगर स्पिन को अच्छा खेल सकते हो, आप डोमिनेट करोगे जो सरफराज ने किया था, लेकिन फिर इस आप इस प्रेशर के अंडर नहीं आ जाते कि यार सरफराज ने कराची में अच्छा किया था तो मैं अब उसको ऑस्ट्रेलिया में भी खिलाने हमें, क्योंकि उसने कराची में अच्छा किया था। और एक वही वाली बात है ना, मीडिया का और फैंस का प्रेशर है। आप हम सबको पता है, आप कोई माने या नहीं माने, क्रिकेटर्स भी शामिल हैं फेसबुक पे जो है वो, आप जाएंगे ट्विटर पे जाएंगे भाई, या तो फिर आप सरफराज के फैन हो या तो फिर आप रिजवान के फैन हो, डिवाइडेड है। अब फैंस हो सकते हैं डिवाइड, फैंस हो सकते हैं जज्बाती, जर्नलिस्ट भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, एनालिस्ट अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन भाई आपको डिसाइड करना है ना कि आपको क्या चाहिए। आप इस प्रेशर में तो किसी को नहीं खिलाओगे, क्योंकि यार उसको खिलाते हैं, आपने श्रीलंका में उनको खिलाया, ये भी आपने ठीक किया, कंडीशन उनको सूट करती है, सही है। एक दो इनिंग्स उनको स्टार्ट भी मिले लेकिन फिर आउट हो गए सरफराज, फिर कॉन्कशन वाला सीन हुआ। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट बॉल गेम, अगर आपको पता होगा कि आपका गेम प्लान क्या है तो आप नेचुरली इजी टू डिसाइड हो जाएगा कि हमें सरफराज को खिलाना है, रिजवान को खिलाना है। देखो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान कोई कंडीशन इस तरह की होती या पाकिस्तान, तो सरफराज बिल्कुल, लेकिन इन कंडीशंस में आई हैव अ यू नो डाउट। वही वाली बात है ना। अच्छा पर्सनली अगर स्पीकिंग अगर मैं बोलूं तो रिजवान भी टेक्निकली इतने इक्विप्ड नहीं है, मतलब आई शुडंट प्रोबब्ली टॉक अबाउट टेक्निक, बट स्टिल मतलब अगर आप किसी क्लासिक बाय द बुक खेलने वाले बैट्समैन की बात करें तो उसमें रिजवान नहीं आता। हां बिल्कुल, लेकिन हां मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, उनके नंबर्स हैं जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर में रन किए, इट हेल्प्ड। और वंस अगेन, लेकिन अगर आप रिजवान को खिला भी दो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस रोल में इसको खिलाना चाह रहे हैं या हम रिजवान से चाहते क्या हैं।